उपखंड कार्यालय के SDM हेमंत कुमार की अध्यक्षता में डीग क्षेत्र के सरपंचों की बैठक आयोजित की गई। सरपंच संघ के अध्यक्ष राजा राम सिंसिनी ने चंबल परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में आ रही परेशानियों पर चंबल परियोजना के अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकालते हुए कहा कि पाइपलाइन डालने के लिए मुख्य सड़कें खरंजा तो तोड़ दिया गया, जिसके चलते आम आदमी का निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। मुख्य सड़क मार्गों में जगह जगह गड्ढे हो जाने के कारण आम व्यक्ति गिरकर प्रतिदिन चोटिल हो रहा है, जिस दौरान मुख्य रास्तों की शीघ्र मरम्मत कराने एवं बैठक के दौरान परमद्रा के पानी की टंकी का कनेक्शन नहीं होना, बदनगढ़ में अवैध कनेक्शन करने, सिंसिनी रोड की मरम्मत करवाने जैसे विभिन्न मुद्दों पर बात की गई, जिस दौरान अधिशांशी अभियंता एवं सहायक अभियंता के जल्द से जल्द समस्याओं का निस्तारण करने की बात कही गई। बैठक में अधिशासी अभियंता महेंद्र सिंह, चंबल परियोजना सहायक अभियंता कमल मीडा, सहायक अभियंता चंबल महेश शर्मा सहित दर्जनों सरपंच उपस्थित रहे। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए डीग से संवाददाता अंकुर जादौन की रिपोर्ट। चंबल के अधिकारी भी आए थे और PIT के भी एक्शन साहब आए और हम सब लोगों ने इसी बात को लेकर के HM साहब के सामने अपनी बात रखी और इसमें मुख्य रूप से ये बात यह है कि चंबल के द्वारा जो गांव में खरंजाओं को खोद करके लाइन डाली गई है उन लाइनों की आज तक अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुई है। सबसे बड़ी समस्या है गांव में कि खरंजा तोड़ने के बाद रिपेयरिंग नहीं होना। हमारी सबसे मुख्य मांग ये है कि हमारे खरंजाओं को पूर्ण रूप से उनको रिपेयरिंग कर करके सही कराया जाए, वरना हम लोग आंदोलन या SDM साहब के यहाँ ऑफिस में। आपका क्या कहना है? आज इसी मुद्दा को लेकर के HDM साहब ने हो गए और जहाँ से पानी चालू हो गया वहाँ जाके हमने रोड रिपेयर कर दी गई है। आप देखो इधर हमने कुचावटी सिंसनी और इन गांवों में सब जगह रोड रिपेयर कर दी क्योंकि वहाँ पे पानी आ गया तो हमने रोड रिपेयर कर दी, फाइनली उन कमीशन हो गया। अब यहाँ और जो सरपंच साहब कह रहे हैं कि वहाँ पर टूटी हुई है, वहाँ पर अभी पानी स्टार्ट हुआ ही है, कल पानी का कनेक्शन हुआ है वहाँ परमद्रा में, फिर वहाँ से आगे गाँव में वितरण किया जाएगा, फिर जाके लाइन टेस्टिंग होंगी, उसके बाद लीकेज निकलेंगे, उसके बाद फाइनली हम रिपेयर कर देंगे। अभी हमने कॉन्ट्रैक्टर कंपनी वालों को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए, हमारे साहब भी थे कि ये जो सरपंच साहब और ये बता रहे हैं वहाँ पर रोड रिपेयर जल्दी करवा दिया जाए। लाइन बिछाई है चंबल परियोजना द्वारा, जो अभी तक खरंजा वगैरह टूटे हुए हैं उनकी अभी कोई भी मरम्मत नहीं हुई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं इसी परिप्रेक्ष्य में आज SDM साहब के यहाँ पे सरपंच साहब और सबकी मीटिंग रखी हुई थी इसी मुद्दे पर। तो चंबल परियोजना के अंतर्गत क्या पाइपलाइन डालने के बाद एक प्रोसीजर है, पाइपलाइन डलती है फिर जाके उसका टेस्टिंग होता है, फिर कोई लीकेज आती है तो उसके बाद में ही हम रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पहले अगर रिपेयर कर दी तो फिर वापस से खोदनी पड़ेगी, इसलिए परमानेंट रिपेयर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, उसके बाद ही अपन उसको रिपेयर करते हैं, फिर जाके परमानेंटली रोड रिपेयर करते हैं। सर ग्रामीण क्षेत्र के लोग, मैं आपको बता दूँ जहाँ